हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स सीखने वाले हैं जो कैच से रिलेटेड है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेजल वर्ब लेकर आए हैं दैट इज कैच अप। कैच अप का मतलब होता है टू गेट अप टू डेट विद समथिंग लाइक न्यूज और टास्क। आपने देखे कुछ लोग बहुत अप टू डेट रहते हैं, जैसे हमारे फादर हैं, या फिर आपने देखा होगा लोग बहुत ज्यादा, आप बाहर जब जाएंगे ट्रेन में या ट्रेवल करेंगे ना, तो लोग अपडेट रहते हैं, उनको सब पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी रिसेंटली कौन क्या हो। तो वो लोग होते हैं कैचअप, जो अप टू डेट रहते हैं हर एक चीज से। एग्जाम्पल, आई नीड टू कैच अप ऑन माई ई मेल्स, कि मुझे अपने जो ईमेल्स चेक करते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या आया है अभी है। कैचअप का मतलब क्या है? अपडेट रहना। वैसे ही जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है दैट इज कैच ऑन, विच मीन्स टू अंडरस्टैंड और ग्रैस्प समथिंग या वट एवर यू सेइंग आई एम कैचिंग ऑन, कि जो भी आप कह रहे हो मुझे समझ आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इट टुक हिम अ व्हाइल टू कैच ऑन टू द जोक, कि उसको ये जोक समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। मतलब कैच ऑन का मतलब कंप्लीटली समझना, अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट कैच अप। अब यहाँ कैच अप हम किस सेंस में यूज करते हैं? विद समवन, टू रीच द सेम लेवल और प्लेस एज समवन, किसी के लेवल पे पहुंचना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैच अप। After missing class, I need to catch up with my classmates. देखते हैं ना, कई बार हम जब क्लास मिस कर देते हैं तो उस दिन के नोट्स तो हमारे पास होते ही नहीं, तो फिर हम क्लासमेट से मांगते हैं ना। तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज करेंगे कि क्लास मिस होने के बाद आई नीड टू कैच अप विद माई क्लासमेट्स, मुझे उनके साथ मैच करना पड़ेगा, विच मीन्स अब मुझे पुराना वाला होमवर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कैच आउट। कैच आउट का मतलब होता है टू एक्सपोज समवन्स मिस्टेक्स और डिसीट, कि किसी ने आपको पागल बनाया है और उसको एक्सपोज करना, उसके बारे में सबको बता देना कि इसी ने धोखा किया है। तो कैच आउट का मतलब क्या? डिस्क्लोज करना, किसी की धोखेधड़ी को रिवील करना। एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट आउट वेन हिज लाइज वर डिस्कवर्ड, कि जब उसके का झूठ पकड़ा गया तो वो पकड़ा ही गया। कहने का मतलब क्या है? कि किसी की डिसीट को डिस्क्लोज कर देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैच अप इन। कैच अप इन का मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग समटाइम्स अनइंटेंशनली। कई बार क्या होता है, हम ना अपना कई हम हमारा इंटेंशन होता नहीं है, अनइंटेंशनली हम उस बात के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दो फ्रेंड्स लड़ने और मैं जाके बैठ गई हूँ वहां पे, और मेरे को पता नहीं कि वो लोग लड़ रहे हैं, उन लोगों की बन नहीं रही है, पर मैं बिना जाने बूझे वहां जाके उस गॉसिप का या फिर उस चीज का पार्ट बन गई हूँ, तब हम यहाँ यूज करते हैं कैच अप इन। शी गॉट कैच अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ द इवेंट, कि उस इवेंट के जो एक्साइटमेंट वो खो गई, आप ये कह सकते हैं इन्वॉल्व हो गई अचानक, अनइंटेंशनली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैच आउट। कैच आउट हम तब यूज करते हैं जब हम ना कुछ एम्बैरेसिंग अनइंटेंशनली कर देते हैं और सामने वाला भी एम्बैरेस हो जाता है हमारी उस हरकत की वजह से। कुछ अनचाही हरकत कर देना, टू सरप्राइज और एम्बैरेस समवन बाय डूइंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये तो सरप्राइज कर देना या फिर एम्बैरेस कर देना। द डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉट हिम आउट, कि जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, जो उसने क्वेश्चन पूछा उस मीटिंग के दौरान, और उसकी वजह से उसने उस क्वेश्चन ने उसको एम्बैरेस कर दिया। आई होप कि ये जो कैच आउट आपको समझ आया हो कि एम्बैरेस हो जाना, कुछ ऐसा कर देना अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो जाए। नेक्स्ट फ्रेज लोब है टू कैच अप ऑन स्लीप। अब इसका यूज हम तब करते हैं जब हम काफी टाइम से थके हो रहे हैं और एक लंबी नींद के लिए हम जा रहे हैं। टू गेट एक्स्ट्रा स्लीप टू मेक अप फॉर लॉस्ट रेस्ट, कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्लीप लेना, कि जो हम पिछले दिनों में काम कर रहे थे उसकी वजह से हम नहीं पूरी कर पाए, आप ये कह सकते हैं नींद पूरी करना। सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर अ बिजी वीक आई नीड टू कैच अप ऑन स्लीप दिस वीकेंड, कि इतना बिजी वीक होने के बाद कि मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। तो कैच अप ऑन स्लीप का मतलब नींद पूरी करना, बेसिकली इतना ही समझ लो। नेक्स्ट फ्रेज वर्ब है कैच समवन ऑफ गार्ड।
विच मीन्स कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है टू सरप्राइज समवन, अचानक से किसी को सरप्राइज कर देना. एग्जाम्पल, द न्यूज कॉट हर ऑफ गार्ड. वो जो न्यूज थी ना उसके लिए बड़ी ही सरप्राइजिंग थी, बहुत ही शॉकिंग थी. सो बेसिकली कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब क्या है, सरप्राइज कर लेना, ऑफ गार्ड कर देना, सरप्राइज कर देना. सो जो लास्ट फ्रेज वो यहाँ पे हम कर रहे हैं कैच अ कोल्ड. ये तो इजी है कि आई जस्ट गॉट अ कोल्ड, कि मुझे जुकाम हो गया. बेसिकली इजी है ये तो, टू बिकम सिक विद अ कोल्ड, कि कोल्ड की वजह से बीमार हो जाना. एग्जाम्पल, इफ यू गो आउट इन द रेन यू माइट कैच अ कोल्ड, कि अगर आप रेन में बाहर जाओगे तो आपको कोल्ड हो जाएगा. सो गाइज आई होप कि कैच से रिलेटेड ये जितने भी फ्रेज वर्ब्स मैंने आपको कराए हैं ना, आपको समझ आ गए होंगे. देखो फ्रेजल वर्ब ना बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती. आप इसको दो तीन बार देख लेना, नोट्स बना लेना, उसको चार पांच बार रिवाइज कर लेना, दैट इज इनफ. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.